हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ TGT नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, और इसमें हम केमिस्ट्री पोर्शन को कवर करेंगे। मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ जिसमें भी कुछ एक क्वेश्चन केमिस्ट्री के कवर किए गए हैं, तो आज भी हम इसमें केमिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चन कवर करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मॉलिक्यूल हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज़। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल जो होगा वो कौन सा है, तो इसमें आएगा SpCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलीन ए वोलेटाइल लिक्विड इज़ बेस्ट प्योरीफाइड बाय। तो कोई भी वोलेटाइल लिक्विड्स जो होगा उसको हम कैसे प्योरीफाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ सेब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अल्कलाइन KMnO4 कन्वर्ट्स इथाइलिन इनटू, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्वेश्चन नंबर 59, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन इज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, द ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास तभी वो कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ए शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर्स, द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 0.55। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम एट इलेक्ट्रॉड द प्रोडक्शन ऑब्टेंड एट द एनोड विल बी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 63, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 सेकेंड्स, द टाइम फॉर 99 ऑफ द रिएक्शन टू अकर विल बी, इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज 64 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेस देन 0 ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, तो इसमें सारे ही इंक्लूड रहेंगे, तो ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, कैस्टराइट इज एन और ऑफ, तो ये किसका हो रहा है, टिन का, SN जो कि टिन का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, तो इसमें अमोनियम कटाइन जो है भी टेट्राहेड्रल है, सिलिकॉन क्लोराइड भी टेट्राहेड्रल है, सल्फेट भी टेट्राहेड्रल है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सल्फर फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, क्लोरीन क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड प्लेट्स हैव एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, तो फोटोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बहुत टाइम पूछा जाता है ये, तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स, तो कौन सी शेप मिलती है इससे, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की शेप आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच इज़ ए करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, तो सॉरी यहाँ पे इन्होंने उन्हें दिया हुआ है, आपको एक फार्मूला दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्टैक्ट नेम देखना है, ठीक है, या इनमें से भी ऑप्शंस नहीं भी दिया होगा नाम तब भी हमें प्रिडिक्ट करना होता है, तो यहाँ पे 2,2-डाइमिथाइल हेक्सेन 3-ज़े इथाइल 2-मिथाइल पेंटेन, तो यहाँ पे फार्मूला दिया होगा तभी हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि इसका राइट नेम कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71, ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो,
तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसके थ्रू जाना पसंद करेगा? SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में डायरेक्ट होता है, ठीक है, टू स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और अगर यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता तो SN1 रिएक्शन होना था, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बना था दैट इज स्टेबल। बट इन केस ऑफ दिस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। क्वेश्चन नंबर 72, द टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। तो इस तरह का मॉलिक्यूल के जो ऑप्टिकली एक्टिव सॉरी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। क्वेश्चन नंबर 73, ये कंपाउंड्स विच आर यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल्स आर। तो इसमें हम दोनों यूज कर सकते हैं, पिरिडिन और मिथनॉल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, इथेनॉल एंड फिनाइल इथेनॉल्स कैन बी डिस्टिंग्विश केमिकली बाय। तो एक तो एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस वन इज एरोमेटिक, और एक एलिफेटिक कंपाउंड है। तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स को हम लॉर्ड ऑफ फॉर्म टेस्ट से, सॉरी आइडो फॉर्म होगा यहाँ पे, आइडो फॉर्म टेस्ट से इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी इंक्रीज इन द चेन। तो इसमें बोथ आएगा ए एंड सी, एल्डोल कंडेंसेशन और ग्रिगनार्ड रिजेंट, दोनों को यूज करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। तो प्रोलाइन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। तो डेक्रॉन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स। तो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज द मोरल आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अरबिंदो घोष। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, दैट इज मास मेकिंग एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 80, द स्कूल सोशलाइज द चाइल्ड बाय इम्पार्टिंग सोशली डिजायरेबल। तो इसमें एक्सपीरियंस स्किल्स नॉलेज तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड इन विच ईयर। तो 2001 में स्टार्ट हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 82, द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन लर्निंग इज ड्यू टू डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्सेप्ट ऑफ गिफ्ट नेट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हाई अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 84, द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डज नॉट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 85, द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी वॉज डिस्कस्ड बाय यंग। क्वेश्चन नंबर 86, द टीचर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज इन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसिस। क्वेश्चन नंबर 87, द मोटिवेटेड टीचर्स विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ एक साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए और कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।